नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या होती है। कई बार आपने देखा होगा कि बैंकों में कहा जाता है फ्लैट इंटरेस्ट रेट 5% फ्लैट इंटरेस्ट रेट, 6% फ्लैट इंटरेस्ट रेट, और जनरली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आप लेने जाते हो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे, वहाँ आपको ये टर्म सुनाई देती है फ्लैट इंटरेस्ट रेट। अब फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन है। एक लोन अमाउंट जिस पर इंटरेस्ट उसके जो इनिशियल जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसी पे लगता है पूरे टेन्योर में। मतलब अगर आपने 2 लाख का लोन लिया है तो आपके 2 लाख रुपए पर इंटरेस्ट लगेगा तब तक आपका पूरा रीपेमेंट शेड्यूल ख़त्म नहीं हो जाता। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। मान के चलिए आपने अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया जो कि 12% ब्याज दर से है 3 साल के लिए, तो आपको हर साल 12% इंटरेस्ट रेट 2 लाख पर ही देना है। मतलब चाहे आप कितना भी रीपेमेंट करो, आपका टोटल इंटरेस्ट 3 साल का 36,000 रुपये बनता है जो आपको देना ही पड़ेगा। हर पर मंथ उस हिसाब से 1,000 रुपये का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। तो और जबकि दूसरा एक रिड्यूसिंग मेथड होता है, उसके अंदर क्या होता है कि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पे क्या रहता है, जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो जनरली जब आप देखोगे कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट जब भी बैंक या NBFCs ऑफ़र करते हैं तो वो आपको लगभग आधे इंटरेस्ट रेट पर ऑफ़र करते हैं। अब आधे इंटरेस्ट रेट पर ऑफ़र कैसे करते हैं वो मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फ्लैट इंटरेस्ट रेट का कि ये सिंपल टू कैलकुलेट होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब जो कस्टमर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी उस चीज़ को समझ जाते हैं आसानी से। अब एक कंपैरिजन मैं बताता हूँ कि देखो, जो रिड्यूसिंग रहता है वो थोड़ा चीप पड़ता है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट कम, इंटरेस्ट जो अमाउंट होता है वो टाइम के साथ कम होता जाता है। लेकिन फ्लैट इंटरेस्ट रेट मेथड में क्या होता है, इंटरेस्ट आपका कांस्टेंट लगता है, चाहे आउटस्टैंडिंग कितनी भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ब्याज सिस्टम को लगाना है आपने जो इनिशियली जो लोन लिया था उसके ऊपर। अब मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल देके। मान के चलिए एक तरफ रिड्यूसिंग रेट पर आपको मिल रहा है 14.88 पर लोन, और एक तरफ 8.5 पर फ्लैट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब आप कहोगे कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा किफ़ायती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये आगे टेबल में आपको समझाता हूँ, क्योंकि जो 8.5 है फ्लैट इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा ही पड़ेगा 14.88 से। आप ये एक बार ये टेबल देखिए। मान के चलिए आपने लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, कांस्टेंट ईएमआई देनी है मुझे फ्लैट इंटरेस्ट रेट और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पे 8,722। तो मैं देखूंगा कि अगर यदि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट अगर 14.88 है तो वो बराबर है 8.5 फ्लैट इंटरेस्ट रेट के। क्या कई बार लोग इस वाले मुफलत में 1-2% के पीछे फ्लैट इंटरेस्ट रेट ऑफ़र कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो कितना ज़्यादा भारी उनको पड़ने वाला है। तो आप ये मान के चलिए एज ए कंज्यूमर आप कभी भी जाएं तो दोनों के बीच में डबल का अंतर होता है। मतलब अगर यदि कोई रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट अगर आपको कोई 15% पे ऑफ़र कर रहा है तो फ्लैट अगर 7.5 से नीचे ऑफ़र कर रहा है तो ही आपका फ़ायदा है, अगर उससे ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी है connecting.finserv। हम हर तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके किसी दोस्त को लोन की ज़रूरत है तो उसे आप हमसे कांटेक्ट करा सकते हैं। हम आपको उसका रेफर एंड अर्न वाला कमीशन आपको देंगे, जो कमीशन आपको 2% तक का मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड।